मैं एक आम आदमी हूँ, आप लोगों से इसके अलावा भी मिलता रहता हूँ और इलेक्शन जीतने के बाद भी आप लोगों के साथ इसी तरह मिलूंगा और यही हमारा इलाका है, आना जाना भी है। अगर आपने जमहूरियत लानी है तो एक ऐसे बंदे को वोट दें जिससे हर बंदा मिल सकता हो, उसको मिलने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत ना हो। मुश्ताक गनी को इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि जो मेन पावरफुल लोग हैं एबटाबाद के वो अमरुल्लाह खान साहब के हामी हैं, और जब तक मुश्ताक गनी साहब अल्लाह खान साहब के साथ इलेक्शन करता रहेगा मुश्ताक गनी कभी नहीं हारेगा। अगर मुश्ताक गनी साहब को आज उनके खिलाफ आप कर दें तो मुझे नहीं लगता एबटाबाद से 10,000 वोट भी दे सकते हैं। तो वो लोग तलक के साथ वोट दे देते हैं, जब तलक के साथ वोट पोल होते हैं तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है और लोगों का इंसाफ भी ख़त्म हो जाता है। जो नून लीग से है सरदार मेहताब साहब का बेटा, मेहताब साहब आजकल खुद भी लोगों के घरों में जा रहे हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है। कलंदराबाद में एक छोटी सी मीटिंग सरदार साहब ने खुद की है, उसका बेटा इलेक्शन कर रहा है, अगर उसके अंदर ये पर्सनैलिटी नहीं है कि वो अपने वोट मांगे अपने सर पे नहीं जीत सकता तो उसको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए।